दो दिन के बहुत ही खतरनाक वाले रेस्ट के बाद आज फिर से ब्लॉग कर रहा हूँ। दो दिन से कुछ ब्लॉग नहीं किया। लास्ट मैंने माना विलेज में शाम को ब्लॉग किया था, दैट वाज ऑन 8th of November, और आज है 10th of November। तो गुड इवनिंग एवरीवन फ्रॉम हरिद्वार, आई एम सौरभ जेसवानी एंड यू गाइस आर वाचिंग राइड विद सौरभ। आप सोच रहे होंगे माना में अलविदा किया था और हरिद्वार कैसे पहुंच गया, तो लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में बताता हूँ। फर्स्टली भैया अभी चले गए हैं गुड़गांव वापस 8th of November की रात को। उन्होंने मुझे चमोली ड्रॉप किया जहाँ पर मेरी बाइक पार्क थी और मैंने वहाँ पर नाइट स्टे किया। नेक्स्ट डे मैं निकला हरिद्वार के लिए, जो कि था 215 किलोमीटर्स का रास्ता, जिसके लिए मुझे 6 आवर्स लग गए। और मैं यहाँ पे आया और मैं सिर्फ सोया। आई एम स्टेइंग एट गोविंद भवन, जो कि रेलवे स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर्स दूर है। मुझे ये होटल पड़ा 1500 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छे रूम्स हैं, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, वेल डेवलप्ड है। तो बहुत हो गई बातें, चलो अब आपको थोड़ा हरिद्वार घुमाते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, कल से मैंने कुछ भी नहीं घूमा है। कल जब से मैं दोपहर में यहाँ आया हूँ तब से सिर्फ और सिर्फ रेस्ट किया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ सोया हूँ, क्योंकि बॉडी को रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। पहाड़ों में इतनी अच्छी नींद नहीं आ रही थी, और साथ ही साथ इतना अच्छा लग रहा है ना नॉर्मल टेम्परेचर में आके, मैं क्या बताऊँ। राइट नाउ इट्स 21 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे 6-7 डिग्री, -6 डिग्री, ये बेस्ट टेम्परेचर है यार। थोड़ी सी ठंड, थोड़ी सी गर्मी, बाकी सब बढ़िया है। तो फर्स्ट स्टॉप आई एम एट हर की पौड़ी, जो है सबसे ज्यादा रिकमेंडेड जगह हरिद्वार में घूमने के लिए। गंगा आरती स्टार्ट हो चुकी है, तो चलो अंदर चलते हैं। बेसिकली हर की पौड़ी पर गंगा माता का मंदिर है और यहीं गंगा आरती होती है गंगा घाट पर। तो मेरी तो गंगा आरती मिस हो गई, क्योंकि गंगा आरती का ना कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। जब आपका सन डाउनर होता है, जैसे ही सनसेट होगा उस टाइम पर गंगा आरती स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए सनसेट अपने फ़ोन में चेक कीजिए टाइम, और उस हिसाब से यहाँ पे घाट पर पहुँच जाइए। गंगा घाट पर बहुत सारे गंगा माता के मंदिर हैं, आप किसी में भी जा सकते हैं, माता तो एक ही है, मंदिर अलग अलग हैं बस। हरिद्वार का ना खाना बहुत ज़्यादा फेमस है। तो शाम का टाइम हो चुका है, राइट नाउ इट्स 7, तो इवनिंग स्नैक का टाइम है। तो इसी के साथ आई एम एट मोहनजीपुरी वाले, और मोहनजीपुरी वाले हर की पौड़ी के एग्जैक्टली सामने हैं। आप हर की पौड़ी के एंट्रेंस गेट से सामने देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो फर्स्ट आई हैव ऑर्डर्ड यहाँ की सबसे फेमस पूड़ी भाजी, लेट्स ट्राई इट। पूरी इज़ वेरी क्रिस्पी, और छोले और आलू ऑन पॉइंट। तो शाम का नाश्ता तो बहुत अच्छे से हो गया, उसके बाद मैंने स्वीट में खाया एक गुलाब जामुन और इनका शीरा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बट अभी कैसा है ना, मेरा तो दिन जो था वो रेस्ट में निकल गया। बट मैं एक्चुअली सोच रहा था कि अगर आप हरिद्वार आएंगे तो आप सिर्फ हर की पौड़ी तो घूमेंगे नहीं, तो सर जी आपको बताएंगे कि हरिद्वार में टॉप 5 जगह कौन सी है घूमने के लिए। हेलो, दिस इज नरेश बंसल फ्रॉम गोविंद भवन। एज एवरीबॉडी नोस, हरिद्वार इज अ वेरी सेक्रेट प्लेस फॉर द इंडियंस। Here, of course, the main attraction is to have a holy dip in the Ganges at Har Ki Pauri. Some other places of interest are the Mansa Devi temple. After the Mansa Devi, there is another very famous temple, that is the Chandi Devi temple. There is a Daksh Maheshwar temple. So now we have Har Ki Pauri, then we have Mansa Devi temple, then we have Chandi Devi temple, then we have Daksh Maheshwar, then we have the Ganga Mata temple, which is also a very famous temple here. These are basically the 5 good places here. Now, another attraction which has been developed by the government of India here near Haridwar over the last few years is the Rajaji National Park. And I hope you had a nice visit, and I hope you all will come to Haridwar and enjoy and get the blessings from the Lord, then you will enjoy your visit. Thank you. So,
मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं हरिद्वार के बारे में, तो सर ने बताया और सारे टेम्पल्स ही थे, तो ऑब्वियसली हरिद्वार इज़ नोन एज लैंड ऑफ गॉड्स, तो यहाँ पे टेम्पल्स ही होंगे ज़्यादा घूमने के लिए. सो इफ़ यू आर स्पिरिचुअल एंड इफ़ यू वॉन्ट टू हैव दैट यू नो पॉजिटिव स्पिरिचुअल वाली वाइब, सो यू कैन कम हियर इन हरिद्वार. और यहाँ होटल में रुकेंगे तो सर जी तो हैं ही हेल्प करने के लिए. आई एम स्टिल इन हरिद्वार. एक्चुअली प्लान ये था कि आज निकलना है आगे की राइड के लिए. मैंने एक और दिन स्टे जो है एक्सटेंड किया है सेम होटल में, गोविंद भवन में, और अभी मैं जा रहा हूँ फिर से वहीं पे जहाँ पे कल गया था, घर की पौड़ी. सेम टाइम शाम का टाइम, पूरा दिन पलंग तोड़ रेस्ट किया है. जाने का रीज़न ये है क्योंकि मम्मी ने बहुत ज़्यादा डांटा है, बताता हूँ क्यों. पेट पूजा तो करना बनता है और हरिद्वार का खाना सच में बहुत टेस्टी और अफोर्डेबल है, तो इसी के साथ मम्मी ने इसलिए चलाया क्योंकि हरिद्वार आया है. कहा हरिद्वार आके गंगा नहीं नहाया तू, सिर्फ छींटे मार के आ गया, तो गंगा नहाने जाना है. और साथ ही साथ कहा कि अपनी ऑडियंस को गंगा आरती दिखा क्योंकि हरिद्वार की सबसे अच्छी होती है गंगा आरती. तो एक खा लेते हैं. भैया ये है क्या वैसे? आलू टिक्की. कितने की है? 40 रुपीज़. लग तो टेस्टी रही है यार बहुत. तो इसको पेलते हैं और फिर जाते हैं गंगा घाट. आज फाइनली पहुंच गया हूं टाइम से पहले और मेरे पीछे रश देखो यार. Done with my first ever Ganga Snan and what a feeling it is. Refreshing, full of positivity. मज़ा आ गया. Thank you मम्मी suggest करने के लिए. So let's dress up and leave. So it's last night और last night के साथ last dinner भी है. तो हरिद्वार का बहुत ज़्यादा famous restaurant है चोटी वाला restaurant. I am here for having my dinner. और मैंने order की है special थाली. मैं जिस भी स्टेट में जाता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि वहाँ पे उधर की एक स्पेशल थाली कुछ खा के देखूँ, बिकॉज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थाली हैज़ देयर ऑथेंटिक टेस्ट और उसी के साथ थाली इज़ अफोर्डेबल एज वेल एंड फिलिंग एज वेल. सो इट कंटेन्स दही, सैलेड, दाल मखनी, बटर पनीर, मिक्स वेज, दाल, रोटी, चावल और पापड़. और ये थाली है 270 रुपीज़ की, विच इज़ गुड इनफ प्राइस टू हैव इतना सारा खाना. तो सोचा तो था कि डेजर्ट खाएंगे बट थाली के साथ ये अच्छी आइसक्रीम मिल गई, तो सोचा यहीं पे एंड करते हैं. तो दिस इज़ मी सौरभ जेसवानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम उत्तराखंड. माय जर्नी वाज सुपर ऑसम विथ अ लॉट ऑफ थ्रिल्स, ट्रबल, बहुत सारी चीज़ें थी वो तो आपने व्लॉग्स में देखा ही होगा. तो इसी के साथ अगर आपको ये व्लॉग और ये पूरी सीरीज़ पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना और सब्सक्राइब किए ना तो बिल्कुल भी मत जाना. फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज एट द रेट राइड विद सौरभ. तो मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में. टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय.